क्या है? जब देखो चमाट चमाट चमाट, हर बात पर चमाट। आप हमेशा नजायज चमाट मारते हैं। बेटा तो हरकतें ऐसी होंगी तो चमाट ही पड़ेगा, कोई पप्पी तो नहीं करूंगा। और वैसे भी आज तक नजायज चमाट नहीं मारा, जब भी मारा तुम्हारी बेहतरी और इसलाह के लिए मारा है। आप हमेशा नजायज मारते हैं। जायज मारता हूँ। नजायज जायज नजायज बोला नाजायज, चुप वरना एक और चमाट पड़ेगा। देखा फिर चमाट। हाँ तो फजूल बहस करोगे तो चमाट ही पड़ेगा ना। मतलब आप नजायज चमाट नहीं मारते? नहीं मारता। और अगर मैं साबित कर दिया तो? अबे जब मारता ही नहीं तो क्या साबित करेगा। और अगर आपने नजायज मारा तो? तो जो तुम कहोगे वही होगा, लेकिन मैं नहीं मारता तो ऐसा कुछ होगा भी नहीं। लेकिन अगर नाजायज मारा तो? अबे क्यों पका रहा है? जायज नाजायज जायज नाजायज। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें नाजायज चमाट मारा तो तुम भी मुझे मार लेना, बस खुश। चल डन हो गया। लेकिन एक नहीं, अगर आपने मुझे 3 नाजायज चमाट मारे ना, फिर मैं आपको मारूंगा। लेकिन कितने चमाट मारूंगा? अरे जितनी मर्जी चाहे उतने मार लेना, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। A for Abba, B for Bab, D for Daddy, P for Papa. अमाद, अमाद जी। बेटा वो मैथ का टेस्ट था तुम्हारा आज। जी। क्या हुआ उसका, कितने नंबर आए? 32। क्या जोर से बोला, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। 32 यानी एक नंबर से फेल। वाह वाह क्या बात है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ बेटा, इधर आओ इधर आओ। देखो अब जो आपको ये चमाट पढ़ने वाला है ना, आप खुद बताओ वो जायज होगा कि नाजायज होगा। जायज। वेरी गुड। बेटा बर्गर बना रहे हो क्या पागल बना रहे हो, जल्दी करो। पानी डालो। अरे इसे कहते हैं 100% जायज चमाट। क्योंकि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी के बराबर है। कसम खुदा की ये मिसाल ना इस पूरी सिचुएशन में कहीं फिट नहीं बैठी है। मतलब छोड़ो यार कसम से। हमाद बेटा इज्जत पे बात आ गई है, इंसान बन जा वरना ऐसी चमाट पड़ते रहेंगे। हमाद, हमाद। जी पापा। कल मैंने 500 का पेट्रोल डलवाया, तुमने रात में उड़ा दिया। ओ अच्छा ये था। एक चमाट हो गया पापा, नाजायज एक चमाट। हाँ ठीक है हो जाता है। ओ चमाट बाकी है पापा। ठीक है ठीक है। खाली है पप्पा खाली। मतलब 2 नाजायज चमाट होगा, मतलब ये 1 बाकी है। बड़ी जल्दी में रहते हो। शमसू बेटा ये तो उल्टा गेम हो रहा है, संभल के रहे बेटा संभल के। हाँ हाँ ठीक है। कुछ दिनों बाद। हमाद बेटा आपका मैथ का टेस्ट था ना आज, क्या हुआ उसका? सौ में से 100 पप्पा। वाह भाई बड़ी पढ़ाई शढ़ाई चल रही है, 100 में से 100। तुम्हारी जिंदगी में तो कभी 50 से ऊपर तो नंबर आए नहीं थे। खैर कीप इट अप। थैंक यू पप्पा, थैंक यू सो मच। थोड़े और दिनों बाद। अमाद मेरा ऑरेंज वाला कुर्ता इस्त्री करके रखना, सुबह पहनूंगा।
अम्मात मेरा कुर्ता ले आओ। ये ले पापा, आपका ऑरेंज कुर्ता इस्त्री हो गया। ऑरेंज? पर मैंने तो ब्राउन कहा था ना। अब पड़ेगा जाइस चमार। ये ले पापा, आपका ब्राउन कुर्ता भी इस्त्री कर दिया था। वेल प्लेड बेटा, वेल प्लेड। थैंक यू पापा, आप ही का बेटा हूँ। बहुत सारे दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, कुछ ठंडा गरम पियोगे? अरे नहीं नहीं, आप बताएं आपको क्या काम है। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ आपसे, मुझे तुमसे एक काम है बेटा। अरे अंकल आप मुझे बिल्कुल हम्माद की तरह समझें, क्या काम है मुझे बताएं आप। पक्का? जी जी। बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे नहीं अंकल बुरा। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं गलती से हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में खुजली इतनी है ना, मैं हम्माद को मार भी नहीं सकता। लकी तो नहीं ना, बहुत जोर से हो गया ना, लेकिन बस बेटा बेटा बोल के बेटे की बजा दी आपने, कसम से नफ्सियाती इंसान हो आपको, बिल्कुल हमारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ चाचा, पागल जाहिल नफ्सियाती। और इस तरह फैसल को थप्पड़ मारकर पप्पा की खुजली में कुछ कमी आई। लॉर्ड स्कूल का टुल्ला, या अल्लाह तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। मत मत बेटा, तो बेटा स्कूल नहीं जाना क्या? अभी तो टाइम है ना। अच्छा अब आपका स्कूल क्या 12 बजे लगता है? 12 बजे? पापा कसम खुदा की, पापा आंख नहीं खुली, कसम से आंख नहीं खुली। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, अब तो छुट्टी हो गई ना। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब इस बात पर एक जायज चमाट तो बनता है। जाओ जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ, पापा से पंगा लेंगे। नहीं अम्मा बेटा, तू अपने बाप से जीत नहीं सकता। आज पूरे मुल्क में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे, बच्चों में खुशी का समय जश्न मनाया जा रहा है, बच्चे झूम झूम कर नगमे गा रहे हैं, गलियों का चमन जब खिलता है थोड़ा शीशा लगता है थोड़ा रेशम लगता है। यस यस यस, तीन चमाट पूरे हो गए पप्पा, वो चमाट नाजायज था, तीन का काउंट खत्म, अब मेरी बारी है। यस हो हो हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ फैसल और आज आखिरकार वो वक्त आ ही गया है जिसका आप सबको था बेसब्री से इंतजार। आज पप्पा का गेम खत्म। जी हाँ, आज फर्स्ट टाइम लाइव एंड एक्सक्लूसिव पप्पा हम्माद से चमाट खाएंगे और आज पप्पा को पता चलेगा कि नाजायज चमाट खाना कैसा लगता है। ओवर टू हम्माद। सर आवाज आई? नहीं दादा नहीं आई, थोड़ा और जोर से, और जोर से। अब आई? थोड़ी सी आई है यार। ये क्या, ये नाजायज चमाट है, ये क्यों मार रहा है? चीटिंग है ये, शर्ट मैं जीता था। नाजायज नहीं है बेटा, तुमने अपने बाप पर हाथ उठाया है, ये उसकी सजा है। वाह अंकल वाह, क्या जबरदस्त बात कही है आपने। बेटा ये सब बातें मजाक वीडियोस पप्पा श्री सब एक तरफ, लेकिन हमेशा अपने बाप की इज्जत करनी चाहिए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अपनी जिंदगी में अपने बाप को उफ तक नहीं कहना चाहिए, जायज हो या नाजायज हो, लेकिन हमेशा अपने बाप की बात माननी चाहिए। वाह पप्पा वाह, पप्पा वाह।
तो दोस्तों ये था पप्पा का सीजन 2। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। सारे पार्ट बहुत लंबे लंबे थे और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नीचे कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो बस सही है, क्या हो गया, आप क्यों मारा है? सब्सक्राइब भूल गए हो इसलिए। और ये जायज़ था। थैंक यू सो मच।